होता है बिना घर नहीं घर भूत के डेरा नहीं रहो घर में तो कोई काम होने वाला नहीं है। पीठ में भी मुझसे झुका नहीं जा रहा है पूरा पीठ में दर्द है तो देख रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग जो है वो क्या होगा कि मम्मी शुरू की हैं तो मम्मी जो है आज मस्त खाना बनाने वाली हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगी। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उनको बोले थोड़ा रेस्ट ले लेने के लिए, क्योंकि उनके पीठ में ना ऑपरेशन के टाइम से ही बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है। लेकिन जब तक हम लोग खाना नहीं खाते हैं ठीक से और बहुत ज़्यादा उनको थोड़ा सा दर्द भी रह रहा है तो पता नहीं, पहले सब ठीक रहता था, जब से ऑपरेशन के बाद से ही वो और ज़्यादा दर्द बढ़ते जा रहा है। तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आंटी जी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि वो रेस्ट लेती भी नहीं है। जब देखो तब देखो किचन में आती हैं, फिर उसके बाद से थोड़ा देर के बाद से और बहुत जितना भी काम है वो सब शॉपिंग से लेकर सब कुछ जितना भी है वो सब एकदम मस्त कर रही हैं। लेकिन उनका जो है तबीयत वो सही नहीं रह रहा है, इस वजह से अभी मैं भी कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ कोई भी शादी में ज़्यादा देर रुकने के लिए। वो जल्दी जल्दी क्या करती हैं कि जाती हैं और तुरंत घर आ जा रही हैं, तो मैं भी फोर्स नहीं करता हूँ कि क्योंकि ब्लॉग तो बनते रहेगा। लेकिन वही है, तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आज क्या बनने वाला है और उसके साथ साथ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि सब कुछ जल्दी से मम्मी एकदम फिट हो जाए आप लोगों के लिए और खूब अच्छा अच्छा वीडियो आए। और भी इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि हम लोगों का भी कुछ प्लानिंग जो है वो बन रहा है और इस वाले महीना में गुड न्यूज आने वाला है दीदी का, तो उसके लिए भी आप लोग प्रे कीजिएगा सब अच्छे से हो जाए। और कल मतलब ऐसा लग रहा था कि बाबू जो है वो चलता वलता है तो बोलती है मतलब मम्मी से, तो देखिए और कुछ दिन बचा हुआ है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सब लोग प्रे कीजिए और अच्छे से सब कुछ हो जाए। तो घर बोझ भी है तो घर बोझ के लिए भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। लेकिन हाँ सब कुछ अच्छा होगा और तबीयत जो है हम लोगों का तबीयत जो है अब थोड़ा ठीक भी है मेरा। तो चलिए दिखाते हैं वीडियो को लेके चलते हैं आगे। और मम्मी आज खूब सारा प्यार दीजिएगा मम्मी को, जो आप लोगों के लिए खूब सारा मेहनत की है। स्टार्ट करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। तो सुबह का टाइम है और वही रोज का रूटीन, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, चावल बनाना, दाल बनाना, उसके बाद अपने काम करना। तो अब चल रहे हैं बनाने, तो अभी काटे हैं सब्जी, पटल, प्याज, आलू, तो इसका भुजिया बनेगा और रोटी बनेगा और सब दिखाएंगे आज क्या क्या हो रहा है यहाँ का। तो थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, बैठने से पीठ में दर्द वगैरह हो गया है बस में। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे। यहाँ पटल का छौंक दिया है, यहाँ तेल और मेथी मिर्चा का फोरन डाल के उसको छौंक दिया था। अब इसमें आलू डालना, आलू छोटा छोटा था आपको छिलाने का है इसलिए बगैर छिले ही बना रहे हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला गया और अब डालेंगे इसमें हल्दी, नमक हल्दी डाला गया इसमें। अब प्याज डाल रहे हैं, दो बड़ा बड़ा प्याज काट के रखा था और प्याज है, प्याज थोड़ा ऊपर से ही डालते हैं लोग, अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी होता है। कितना लोग पहले भुजिया में भून लेते हैं प्याज, तब जगह आलू पटल डालते हैं, हम लोग बाद में ही डालते हैं। चाय बन जाए, चाय चीनी खत्म होता है नहीं, इसमें
यहाँ पर गाइस देखिए, नहीं था तो बर्तन का क्या हाल बना था, तो सब खाली करके धो रहे हैं। हमको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ चूल्हा वाला के पास सब सफाई किया है। अब ये मेरा सब्जी रेडी हो गया। और पीठ में भी मुझसे झुका नहीं जा रहा है, पूरा पीठ में दर्द है। तो देख रहा है अभी क्या करना है, जाएंगे डॉक्टर के यहाँ या दवा लेंगे। बेटी का शादी है और मेरे रिलेशन में भी है, तो वहाँ भी जाना ही पड़ेगा एको घंटा के लिए, क्योंकि अपने खास है लोग। तो शादी का भी ब्लॉग मिलेगा, तब तक जा रहा है दवा मंगा के खा के आराम करने सोएंगे तो कहीं ठीक हो जाए। रात भर सो नहीं पाए हैं पीठ के दर्द की वजह से। और पता नहीं क्या हुआ है कि मतलब एक साइड में पीठ में हमेशा दर्द रह रहा है, वो ऑपरेशन की वजह से कि पता नहीं क्या हुआ है। वहाँ भी थे तो दुख रहा था, ट्रेन में भी बैठे थे तो हमको दर्द कर रहा था बस में। तो दवा मंगा के अभी खाएँगे, खा के देखते हैं। लड्डू जो है वो कैसे अपना होमवर्क कर रहा है, और यहाँ पे दीदी बैठ के होमवर्क करा रही है। तो गाइस ये होमवर्क जो है शायद बचपन से मम्मी जो होती है वो, क्या पापा, पापा नहीं मम्मी ही, मम्मी कैसे अभी सिखा रही है। अभी तो डंडा कौन सा है, आई है लड्डू करो बेटा, क्या लिख रहे हो बताओ। यू वांट कलर्स और नॉट, जल्दी फिनिश करो। मम्मी वो काम वाले को रख लेना चाहिए, अब क्या बोलती हैं? काम वाला भी अब इतना आसानी से नहीं मिल रही है। इतना ज्यादा आपका तबीयत खराब भी रहा है फिर भी आके बनाना शुरू कर दे रही है। क्या करूं, यही मेरे भाग में लिखा है जिंदगी भर करना है, तुम्हारी वाली आ जाएगी तक। तो गाइस अब जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे मम्मी का भी समय बदलते जा रहा है। सब लोग शहर की तरफ रुख मोड़ता है, मम्मी गांव की तरफ रुख मोड़ रही है। गांव से ये भी एक बात आपको बता देते हैं कि हम लोगों का जो जो घर है जो बन रहा है, स्कूल मेरा स्कूल जो बन रहा है वो, उसमें जो है वो हम लोगों का थोड़ा सा सोच के हिसाब से तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे भगवान करेंगे वैसे होगा। क्योंकि पापा जी और मम्मी चाहती हैं लोग गांव पे तो सब काम करवा देती हैं, तो दिखाएंगे आप लोगों, देख के आप लोग भी चौंक जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत बना है वो। और अभी मम्मी आपको बताइए कैसा लग रहा है। अभी तो तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। गाइस एक बात बता देते हैं, मम्मी जैसे ही खड़े हो रही है ना तो क्या हो रहा है कि पूरा पीछ, खड़े नहीं जैसे भी बैठ भी रहा है चाहे कुछ भी, पीठ में दर्द हो जा रहा है, बैठा जा रहा है अब ज्यादा देर तक, तो बहुत ज्यादा जो है मतलब दर्द हो जा रहा है पीठ में। इस वजह से हम वहीं पे गए थे ना उधर है घूमने चाहे तभी से हमको शुरू हो गया है। तो कोई कोई कह रहा है कि कमजोरी से होता है, जो इंजेक्शन वाला सुई पड़ा ना तो जब भी कमजोरी होगा वो दर्द होगा। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, मोटे हैं उसके बाद भी कमजोर, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उन लोगों को नहीं पता होगा। तो गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो मम्मी हैं अभी आप लोगों को ऐसे देखते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कितना फिट है, तो ये फिट नहीं है, अंदर से इनका जो है पार्ट पुर्जा में से बहुत सारा चीज़ निकला चुका है। तो ऑपरेशन हुआ था, तो वो किस चीज़ का ऑपरेशन था मम्मी, वो इतना बड़ा मतलब उस समय इनको मतलब ऐसा हो गया था कि बहुत अच्छे से बाल बाल बच गए हैं हम, नहीं तो लेट करके तो नहीं बच पाते। तो दशहरे के टाइम हमारा हुआ है ऑपरेशन, और उस समय से कुछ ना कुछ हमको हो ही रहा है, लेकिन हमको बेड पकड़ना अच्छा नहीं लगता है, हम कुछ कुछ अपना काम करते हैं और सोते हैं जब, तो लगता है कि अब हमको कुछ हमसे होगा ही नहीं, तो हिम्मत बांध के उठ के फिर चलने लगते हैं, अपना काम करते हैं कुछ कुछ। तो गाइस अभी जो है मस्त अभी खाना बन रहा है, तो आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रही है मम्मी मतलब अच्छे से वो करके, जैसे हो रहा है अगर वैसे ही अगर आप लोग प्यार दीजिएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा।
मम्मी ये भी की है, खाना भी बनाई अभी, उसके पहले क्या की थी कल, अचार भी बना रही थी। हाँ। वो कैसे बना रही थी? अचार बना हुआ था तो तेल नहीं डाला था उसमें, तो वही थोड़ा सा तेल को गर्म किए हैं करके उसमें तेल डाल दिए, धूप में रखे हैं सूखने के लिए अभी, तो अभी रखा गया है घर में उठा के, लेकिन धूप में थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कभी कभी बीच बीच में, अगर नहीं दिखाया जाएगा तो खराब हो जाएगा। और अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कुछ ही समय बचा है, कुछ दिन बचा हुआ है, मम्मी अब आप फिर से नानी बनने वाली हैं, आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन क्या प्लानिंग है आपका आगे का? अभी मेरे घर में हम नानी बनेंगे तो खूब अच्छे से पहले हम स्वागत करेंगे, जो बच्चे मेरे घर आएंगे, बेटी हो बेटा हो जो भी हो आए उसका हम स्वागत करें, और बहुत अच्छा लगेगा वो क्षण, चूँकि एक माँ के लिए ये बताना मुश्किल नहीं है, वो जानती हैं कि हाँ कैसे होता है तो क्या खुशी मिलती है। तो आप भी हाथ पकड़वा के सिखाई थी क्या? क्या वो लिखवाना सबसे पहले माँ ही सिखाती है, सबसे पहला टीचर। आप लोग कोले के बेड पे सोते थे और बोल बोल के, अभी जैसे लड्डू बोले के सोते हैं, बोलते हैं काउंटिंग सुना उनको, वन का स्पेलिंग सुना, टू का सुना, तो जितना तक होता है पहले माँ गुरु होती हैं, माँ से ही बच्चे आगे जाते हैं, और माँ जितना लगता है अपने खून पसीने से सीखती हैं बच्चे को, उसके बाद गुरु का हाथ में दिया जाता है। तो अभी भी ये चाहती तो अभी रेस्ट ले सकती थी, आराम से मस्त सोती, खाना जैसा बनता बनता, लेकिन इनका मन नहीं मानता है। अगर मानिए कि अगर अच्छा नहीं बनता है तो हम लोग नहीं खाएंगे, तो फिर बोलेंगे कि अरे थोड़ा सा के लिए सब खराब हो गया, तो इसलिए क्या करती हैं कि ये बना देती हैं। तो आप लोग के घर में भी अगर ऐसा कोई सब मम्मी लोग तो करते ही हैं, तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी मम्मी क्या बोलने वाली हैं अपने परिस्थिति को लेके। यहाँ पे मम्मी सिमी को नहला रही है, सिमी हो गई है पतल सुट्टी, पूरा इसको गंदा हो गया था, वहाँ पर थी पे डालने पे डरता है सब। तो ब्रीडे चेंज हो गया, आ जाओ आओ, तुम्हारे टॉवल से पूछ दे।